अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी पिकनिक वगैरह को अटेंड करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं समर में, तो हमारे बहुत ज़्यादा स्किन सन टैन हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो बर्न होने लगती है और कलर बहुत ही ज़्यादा डिम हो जाता है और अनइवन टोन हो जाती है हमारी स्किन की, और हम बहुत ज़्यादा शर्माते हैं हाफ़ स्लीव्स वगैरह पहनने में। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि हमारी बॉडी दो या तीन कलर में डिवाइड हो जाती है। उसको क्योर करने के लिए आज मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताऊंगी जो कि ना सिर्फ आपके सन टैन को ख़त्म कर देगी बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस और ग्लोइंग भी बनाएगी और साथ ही साथ आपके एक्ने पिंपल को भी हील करने में मदद करेगी। दोस्तों, सन टैन जो है वो बहुत ज़्यादा आम सी चीज़ है क्योंकि सन टैन हर एक को हुआ हुआ होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके लिए कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान है और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही आराम से आप अपने सन टैन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने एक स्क्रब बनाना है और ये स्क्रब हम बनाएंगे सी सॉल्ट के साथ। सी सॉल्ट जो है हमने ले लेना है। सी सॉल्ट आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा, वरना आप घर में मौजूद सॉल्ट भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों एक चम्मच के करीब आपने सी सॉल्ट ले लेना है और साथ ही साथ आपने जो है हाफ लेमन जूस इसमें ऐड कर देना है। अगर आप एक चम्मच सॉल्ट ले रहे हैं तो फिर आपने हाफ लेमन, वरना फिर आपने एक लेमन पूरा जो है इसका जूस लेके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेमन में विटामिन सी होता है और सिट्रिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को बहुत जल्दी से लाइट करता है। आपने अच्छी तरह से इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना है, बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है वरना आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। 20 मिनट्स के बाद आपने जो है सादा पानी से हाथ और पाँव और फेस को वॉश कर लेना है और साथ ही साथ आपने इसे टॉवल ड्राई भी कर लेना है। दोस्तों, हमेशा आप फेस को ड्राई करने के लिए, अपनी स्किन को ड्राई करने के लिए बहुत ही साफ़ टॉवल यूज़ करें और ठंडे पानी से आप अपनी स्किन को वॉश कर लें। दोस्तों, अगर आप ये रेमेडी यूज़ कर लेते हैं इस स्क्रब से, आपके सन टैन बहुत जल्दी से रिमूव होना शुरू हो जाएगा और आपको 3 ही दिन में वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारा फेस पैक या फिर सन टैन के लिए जो पैक है वो हम बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप दोस्तों अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी इसे अप्लाई करते हैं तो वाज़ह फ़र्क देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन जो है स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा हर्बल रेमेडी में ये इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये आपका रंग फेयर करता है और आपके जो है ओपन पोर्स उन्हें बंद करता है। और साथ ही हमें चाहिए लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो लाइटनिंग एजेंट है और साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट करने में और सन टैन को रिमूव करने में मदद देता है। इसके अलावा हमें चाहिए रॉ मिल्क। रॉ मिल्क जो होता है वो फ्रेश मिल्क होता है और फुल फैट मिल्क होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ना सिर्फ आपकी स्किन को लाइट करती है बल्कि बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी आपकी स्किन से बिल्कुल रिमूव कर देती है, डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करती हैं और स्किन को लाइट करती हैं। इसके साथ ही साथ हमें जो चीज़ चाहिए वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को हील करेगी। अगर क्रीम्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा आपकी स्किन टैन हो रही है वो भी सही हो जाएगी, तो हमें चाहिए टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी जो है मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्योर होनी चाहिए, हमें थोड़ी सी 1 पिंच के करीब हल्दी चाहिए और साथ ही साथ हमें कोकोनट ऑयल चाहिए होगा। कोकोनट ऑयल बहुत जल्दी से हमारी डार्क स्किन को लाइट कर देता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ भी बनाता है। अगर सन टैन है तो कम्प्लीटली रिमूव कर देगा और आपको एक ही दफ़ा इस मास्क का फर्क नजर आएगा। तो आपने जो है 1 चम्मच इसमें डाल देना है कोकोनट ऑयल और साथ ही साथ आपने पेस्ट बनाने के लिए इसमें रोज वाटर डालना है। रोज वाटर जो है बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन के पोर्स को जो है वो श्रिंक करता है और स्किन लाइटनिंग में भी बहुत ज्यादा रेमेडीज में यूज होता है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल कर लेना है, इतना कि आपका फेस पैक जो है वो बन जाए और आपने बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है। इस फेस पैक को आपने अपनी स्किन पे लगाना है, अपने फेस पे लगाना है और कहीं पे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकती हैं। आपने इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे, हैंड्स पे और अपने पूरी बॉडी पे आप चाहें तो अप्लाई कर सकती हैं और आप इसको जो है वो 20 मिनट के लिए छोड़ेंगी। 20 मिनट देखेंगे आप बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब आपका फेस पैक कंप्लीट ड्राई हो जाएगा तो आपने जो है हल्का सा पानी लेके हाथों से उसको मसाज करना है। बाद आपने जो है फेस को वॉश कर लेना है और जहाँ पे भी आपने पैक अप्लाई किया है आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप सादा पानी से भी वॉश कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप टॉवल ड्राई भी कर सकती हैं। आप वाजह तौर पे देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एकदम से ग्लो करने लगेगी। बेसन का इफेक्ट आपकी स्किन पर साफ नज़र आएगा और रोज़ वाटर से आपके हाथ पाँव
बहुत ज़्यादा वाइट होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों रोज़ वाटर की वजह से आपके पाँव हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो सकते हैं, तो आपने फिर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने हाथों पाँव पे लगा लेना है। अगर आपके पास बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं है तो फिर आपने एक कोको बटर क्रीम ले लेनी है। कोको बटर क्रीम आपकी स्किन को नरिश करती है और आपको सनटैन से बचाती है। आप देखेंगे आपकी स्किन एक ही दफ़ा के अप्लाई से काफ़ी फ़र्क लगेगा, और अगर आप इसे वीक में दो दफ़ा ट्राई कर लेते हैं तो ही हफ्तों में आपका जो है सन टैन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाजमी तौर पे गर्मियों में या फिर किसी भी मौसम में जो है वो अच्छा सनब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें, किसी अच्छी कंपनी का सनब्लॉक इस्तेमाल करें। सनब्लॉक जो है आपको सन टैनिंग से बचाता है, और बेहतर है कि आप पहले ही हर चीज़ का क्योर अपने पास रखें। सन टैनिंग से बचने के लिए आपको बहुत ही अच्छा जो है सनब्लॉक अपने पास रखना चाहिए और उसे डेली यूज़ करना चाहिए। जब भी आप सन एक्सपोजर में जाते हैं या किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं तो लाजमी इसे अप्लाई कर लिया करें। इससे जो है आपकी सन टैनिंग के चांसेस 80% जो है वो कम हो जाते हैं। तो अगर आप ये रेमेडी ट्राई कर लेते हैं तो आपकी सन टैनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ ही साथ मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में एक बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।